उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर 9 दिवसीय पर्व चल रहा था। 9 दिवसीय पर्व का समापन आज भस्म आरती के साथ हुआ। इससे पहले सुबह महाकाल को धूल्हे के रूप में सजाया गया और 1 क्विंटल फूलों का सेहरा बांधा गया। इसके बाद दोपहर में भस्म आरती हुई। आपको बता दें, साल में केवल एक बार ही दोपहर में भस्म आरती होती है। केवल महाशिवरात्रि पर ही दोपहर के वक्त भस्म आरती होती है और शिव नवरात्रि महोत्सव का समापन होता है। जैसा कि गत 9 दिनों से शिव नवरात्रि की परंपरा महाकाल के इस दरबार में चली आ रही थी, अनादिकाल की परंपरा चलती है, उसी के अनुरूप पूजा परंपरा पिछले 9 दिन से हो रही थी। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया। कल बाबा को सजाया गया, उनका अभिषेक किया गया, उनको दूल्हा बनाया गया। शिव विवाह की जो भावना है उसको भाव जगत, चूंकि भारत ग्राही जनार्दना परमात्मा भाव के भूखे होते हैं, तो भाव जगत की बातें हैं। कल बाबा को दूल्हा बनाया गया था, आज उनका सेहरा सब हटाया गया और उसके बाद जैसे कि रात में ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती होती थी, आज एक नए दिन का प्रारंभ करते हुए निराकार स्वरूप में दिगंबर स्वरूप में बाबा को दूल्हे से दिगंबर स्वरूप में लाया गया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस पर्व की बात ही कुछ खास है। फाल्गुन माह में महाकाल के आंगन में विवाह अर्थात महाशिवरात्रि की धूम रहती है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होता है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन आज दोपहर में बाबा महाकाल को दूध, दही और घी से पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। भस्मी चढ़ाने के बाद बाबा को वस्त्रों से श्रृंगारित किया गया और फिर भस्म आरती की गई। इस प्रकार बड़े ही धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ। बात कि शिवरात्रि पर्व जो है वो पूरे भारत में बड़े धूम से मनाया जाता है। उज्जैन में भगवान ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कालों के काल महाकाल के रूप में विराजित है। यहाँ 9 दिन की नवरात्रि पर्व होता है और उसी पर्व के अनुसार, परंपरा अनुसार भगवान के 9 दिन का पूजन, अभिषेक, नित्य नया श्रृंगार और शिवरात्रि पर्व मनाते हुए भगवान को दूल्हे के स्वरूप में आज सजाया गया और दूल्हा स्वरूप में भगवान का दर्शन हुआ। ये मान्यता रही है कि भगवान का आज विवाह कार्य संपन्न हो गया है और संपन्नता के साथ फिर दोपहर की जो प्रातःकाल भस्म आरती जो होती थी वो आज केवल वर्ष में एक बार आज के समय में दोपहर में 12 बजे भस्म आरती की गई। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।